हर किसी का एक एक पैशन होता है। मेरा कोई पैशन वैशन फोटोग्राफी नहीं था, मेरा पैशन था गैजेट्स। बहुत सारे गैजेट्स लेते जाता हूँ, हर महीने लेता हूँ और कुछ ना कुछ नया लेता हूँ। तो लेते लेते मैं बोर हो गया कि अभी क्या बचा क्या, तो बोले चलो कैमरा लेते हैं। कैमरा को एक्सप्लोर करते करते मैं फोटोग्राफर बन गया और आज उसका नतीजा ये है कि आज हमारे सेट पे एक नया फोटोग्राफर आया है। बेटे ने बाप को फोटोग्राफर बना दिया है। And he's bought this brand new camera and he's really excited about it. कल ही हमारे Instagram के हर किसी के पोस्ट पे यही था कि आदर्श गौतम is all set to be a photographer. He's all excited. Different different poses में अपने आप को ये क्लिक कर रहे थे। फोटोग्राफी नजरिए का पूरा खेल है। तो ये होता है कि जितना अलग नजरिए से आप दुनिया को देखेंगे और दुनिया को अपना नजरिया दिखाएंगे, दैट इज ऑल अबाउट फोटोग्राफी। हम सब ये रेगुलर चीजें ऐसी देखते हैं। अभी आपका लेंस क्या अलग देखता है, किस तरीके से देखता है, उसे फोटोग्राफी कहते हैं। एक सुपर्ब सा सेइंग है कि इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। कोई भी कैमरा हो आपके पास, कोई भी लेंस हो, कोई भी अपना फोन का कैमरा हो, तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इट्स जस्ट द वे यू लुक एट द वर्ल्ड। कोई भी आप रेगुलर ऐसे करके फ्रेम में खींच देंगे या रेगुलर सेल्फी खींच देंगे, सब लोगों ने वो चीज़ें बहुत देखी हैं। अब आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं या किस नज़रिए से दुनिया को दिखाना चाहते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज़ द कंपोजिशन, जैसे आप शॉट कंपोज करते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपके आपकी जो पिक्चर है वो कौन सी कहानी बताती है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी पापा नया नया एक कमाल करके आए हैं पहले ही दिन पे। ये देखिए कमाल का फोटो खींचा है। ये जो है दूर से शायद देखें तो हाँ ठीक है, एक रेगुलर सा जैसे आप देख रहे हैं एक फ्लावर दिख रहा है, लेकिन जब आप इसके करीब जाते हैं तो इसका इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर है, कैसे ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, कैसे इसके शेडोज गिरते हैं, यू गेट टू सी ऑल दैट। सो दैट्स इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। ये कुछ नहीं बेटा, ये मैक्रो लेंस है, मैक्रो से खींचा, जितना भी चाहो आप क्लोज जा सकते हो। ओके, ये वाइड एंगल के लिए है, तो अभी जितने भी वाइड एंगल शॉट्स लिए हैं पापा ने इससे लिए हैं, और जितने भी क्लोजअप्स और टाइट क्लोजअप्स और एकदम डिटेलिंग वाले शॉट्स हैं वो इस लेंस से यूज किए हैं, क्योंकि इससे आप सब्जेक्ट के कितना करीब जाना चाहें जा सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ को एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखाया जाए और जितना एक्स्ट्रॉर्डनरी आप दिखाते हैं उतने अच्छे आप फोटोग्राफर बन जाते हैं। बिलीव मेरा फर्स्ट क्रिएशन था जो वो था अबिका के साथ था, क्योंकि वो और माता जी मेरी बड़ी बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट, वो माता जी और निशी मैम बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट पीसेस थी। जब मतलब जब भी मैं कहता था यार मुझे ये ट्राई करना, दे वुड स्पोर्टिंगली कम एंड स्टैंड एंड डू इट। एक जो सबसे पहला जो मेरा क्रिएशन था फोटोशॉप के साथ कॉम्बिनेशन था, वो पता नहीं क्यों अबिका को देख के एक ख्याल दिमाग में आया कि बिकॉज शी हैड दिस बालिका वधू इमेज, और एक लड़की जो हमेशा हंसती रहती है उसके पीछे शायद कुछ उन हाथों के पीछे कुछ और होगा, तो एक सुपर इम्पोज इमेज थी जो हाथ ऐसे थे और उसमें उसकी शक्ल दिखाई दे रही थी, उन हाथों के पीछे वो रो रही थी। तो ये जो इमेज मेरे ध्यान में आई और वो पहला क्रिएशन था, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल क्रिएशंस ऑफ माइंड।
एक जुनून एक दीवानगी इज ऑल अबाउट योर हार्ट. पैशन वही होता है जो दिल से आता है, दिमाग से नहीं, आपकी ज़रूरत से नहीं. सो आई थिंक हर एक के लाइफ में एक ऐसा पैशन, एक जुनून ज़रूरी है जो आपको पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करता है. जैसा कि मनीष ने कहा कि दिल है तो पैशन है, दिल तो सबके पास होता है, और दिल होते हुए अगर किसी के पास पैशन नहीं है तो वो बहुत ही अजीब स्टेट होती है. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी दोस्तों को कि एक पैशन जरूर अपने लिए कोई ढूंढ लें, अगर अभी तक नहीं मिला है तो.